नमस्कार दोस्तों, और इन्वेस्ट करें पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना क्या है और कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। और दोस्तों, साथ यह भी जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, खासकर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित यानी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों, एक आंकड़े के मुताबिक 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार समेत 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा रहे हैं। और दोस्तों, सरकार की कोशिश है कि बाकी बची हुई आबादी को भी इस योजना का लाभ दिया जाए। और दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरंभ किया था, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि 25 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और दोस्तों, इस योजना में प्रमुख दो तत्व शामिल है, एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो अब आयुष्मान भारत योजना में तब्दील हो चुकी है। इसके तहत सरकार 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को कवर करेगी। और दोस्तों, यह योजना हर परिवार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के मूल्य के लिए अस्पताल में देखभाल के लिए कवरेज प्रदान करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो इस योजना के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार जितने भी परिवार बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे है, वह सभी इस योजना के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने अपनी वेबसाइट भी शुरू की है। सरकार द्वारा चुने गए लाभार्थी इस वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के लिए चयन कैसे होगा। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले बताया कि इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवार का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किए जाने का अनुमान है। आधार नंबर से परिवार की सूची तैयार की गई है और आपको सुविधा का लाभ मिलेगा। सूची तैयार होने के बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी और आप बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहीं हो गया। तो दोस्तों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई वेबसाइट पर जाना है और आपको होम पेज पर एक बॉक्स मिलेगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे डालते ही पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ है। और दोस्तों, इसके अलावा आप 14555 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि आपका नाम इस योजना में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। और आप अपने पास के अस्पताल में जाकर भी पता कर सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अस्पताल में लाभ कैसे मिलेगा। तो मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने बीमा दस्तावेज देने होंगे। इसके आधार पर अस्पताल इलाज के खर्च के बारे में बीमा कंपनी से सूचित कर देगा और बीमित व्यक्ति के दस्तावेज की पुष्टि होते ही इलाज बिना पैसे दिया जाएगा। और दोस्तों, इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा सकेगा। और दोस्तों, सरकार इस योजना के तहत देश भर में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन करेगी, जिनके अंदर आप फ्री दवाइयाँ ले सकते हैं और फ्री इलाज करवा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यदि आपके पास अपना आधार कार्ड नहीं है तो क्या आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। आप बिना आधार कार्ड के उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, यदि आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ हो तो। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों कि इस योजना के तहत कौन कौन सी बीमारी का इलाज फ्री करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के तहत मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य सुविधा, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के प्रबंध की सुविधा, आँख नाक कान और गले से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अलग से यूनिट होगी और इस योजना के तहत इन सभी बीमारियों का इलाज
फ्री किया जाएगा और दोस्तों बुजुर्गों का इलाज भी इस योजना के तहत फ्री ही मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप इस योजना के तहत पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस योजना के बारे में और ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट करें पर जाकर इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।